हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किचन किंग में बना रही हूँ देसी स्टाइल बिल्कुल चावल की मोटी मोटी रोटियाँ। ये देखिए, इसके लिए हमने ली है एक बॉल चावल की आटा। ये देखिए, इस तरह से हमने ली है। अब मैं इसे बनाने के लिए इसके पानी को सबसे पहले हमने गर्म किया। ये देखिए, इस तरह से हमने पानी को गर्म कर ली है। बिल्कुल देखिए, गुनगुने आ चुके हैं। अब मैं इसे गैस ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, हमने गैस ऑफ कर दी है। इसे अच्छी तरह से उतार लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये हमारे गांव में बहुत ही फेमस डिश है। इसके साथ हरी चटनी, या तो धनिया पत्ता की हो या फिर पुदीना के, इसके साथ बहुत ही फेमस है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब मैं इसे हाथ से मिला लेती हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। मेरे इधर इसे बोला जाता है देसी घी वाली मोटी मोटी रोटी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें थोड़ी सी घी भी लगा डालूंगी, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। ये देखिए, इसे अच्छे से बिल्कुल जोर हाथों से इसे मिलाना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी रोटी फटे नहीं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मिलाया। अगर आप हाथ पे बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी इसे ठोक के बना सकते हैं, नहीं तो मैं इसे नीचे में भी बेल करके बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक अच्छी तरह से बेल के दिखा रही हूँ। फिलहाल मैं इधर तवा गर्म होने के लिए दे रही हूँ। ये देखिए, हमने तवा गर्म होने के लिए दे दी है। इसे मैं अच्छी तरह से गर्म होने दे रही हूँ। उधर मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल दो भागों में इसे, ये देखिए, इस तरह से हमने इसे, ये देखिए, हमने इस शेप का दो लोई काट ली है। अगर आप इसे भी मोटा चाहते हैं तो इसे मोटा भी आप लोई काट सकते हैं। अब चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से गोल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे गोल बना ली है। ये देखिए, कितने ही अच्छे बने हुए, बिल्कुल फटे नहीं है। अब मैं इसे बेल रही हूँ। ये देखिए, इस पर मैं थोड़ी सी सूखी आटा डाल रही हूँ। इस तरह से हमने इसे डाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे हाथ से ही बनाऊँ, तो इस तरह से आप इसे राउंड राउंड करके बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको थोड़ी सी चिपचिपा लग रही है, तो थोड़ी सी आटा इसमें लगा के इस तरह से आप इसे हाथ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से ये बन जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से ये आप इसे बड़ा कर लें, नहीं तो आप इसे इस पे डाल के चकला पे आप इस तरह से थोड़ी सी हाथ में सूखा आटा लगा के आप इस तरह से इसमें बिल्ला की जरूरत नहीं रहती है, आप बिल्कुल हाथ से इसे ठोक सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसे बना लें। ये देखिए, हमने इसे इस तरह से बना ली है। मैंने बेलना की बिल्कुल भी इसे इसमें ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से देखिए बन चुकी है। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे और बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोटी सी रोटी बन चुकी है। अब मैं तवा पे, तवा गर्म हो चुकी है, अब मैं उस पर डाल रही हूँ। ये देखिए, नीचे बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है। इस तरह से मैंने इसे उठा ली है। ये देखिए, गैस गर्म हो चुकी है। अब इस पर मैं रोटी डाल रही हूँ, बिल्कुल मोटी वाली। इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से मैं पकने देती हूँ। जब तक वो दो उधर से पक रही है, तब तक मैं इधर दूसरा में भी मैं बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, दूसरी साइड पक चुकी है। ये देखिए, मैं किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं ले रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड इसे अच्छी तरह से पका रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिससे कि इसे ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। ये देखिए, इस तरह से ये पक रहे हैं। ये देखिए, दूसरी साइड भी अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब मैं इसे गैस पे डाल रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए, मैंने गैस पे डाल दी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे। ये देखिए, अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं गैस को कम कर रही हूँ। अब मैं इसे दूसरी साइड पलट लेती हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह से दोनों साइड फूल चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमारे गांव में जो है, बिल्कुल इसमें घी डाला जाता है, बिल्कुल अच्छे से देसी वाले।
ये देखिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से घी डालने से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे फ्लेवर आते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी है। ये देखिए इस तरह से अब मैं दूसरे साइड डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरह से घी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे देसी घी वाली रोटी बिल्कुल ही अलग टेस्ट रहते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए पक चुके हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हुए हैं। अब मैं दूसरा फिर से बना के एक बार आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने थोड़ी सी सूखी आटा डाल दी है, इस तरह से हमने इसे लोई को बना ली है। अब मैं हाथ के प्रेशर से इसे अच्छी तरह से इस तरह से रोटी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसे गोला करके बना ली है। अब मैं गैस पे डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल दी है, इसे थोड़ी देर बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रही हूँ मैं। ये देखिए अब ये दूसरी साइड पक चुकी है, थोड़ी देर और मैं पकने देती हूँ जिससे कि थोड़ी सी कलर आ जाए। ये देखिए हमने थोड़ी सी गैस को हाई फ्लेम पे डाल दी है। ये देखिए अब मैं इसे दूसरी साइड पलट रही हूँ, इधर कलर आ चुका है। ये देखिए इसे मैं भी थोड़ी देर लो फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखिए दूसरे साइड में पक चुकी है। अगर आपको घी पसंद नहीं है, बटर पसंद है तो बटर लगा सकते हैं, अगर सिंपल पसंद है तो आप सिंपल ही इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल ग्रीन चटनी के साथ इसे खाएं, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ग्रीन चटनी इसके साथ बहुत ही फेमस है। और मैं इसे गैस पे फुला रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने रोटी को डाल दी है, अब ये बिल्कुल फूल रहा है। ये देखिए इस तरह से ये फूल रहा है। ये देखिए मैंने गैस को लो कर दी है, ये फूल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लेवर आए हुए हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप विदाउट घी का ही रखें। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल कितनी मोटी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इसे बना के बिल्कुल ट्राई करें। ये देखिए विदाउट घी वाली रोटी है और ये घी वाली रोटी है, ये देखने में बिल्कुल ही, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।